हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू संगीता लिंग्विस्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है उरु का, असम में बिहू का एक दिन पहले का दिन को उरु का बोलते हैं। तो आज है उरु का, तो आज के दिन पीठा बनाया जाता है और कल बिहू में खाया जाता है। तो आज हम लोग घर में बना रहे हैं अभी तिल लड्डू, बादाम चिक्की, उसके बाद तिल पीठा बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है कच्चा बादाम। तो ये कच्चा बादाम को पहले भून लेते हैं। तो आज घर में बहुत सारे आइटम बनने वाला है। तो सारा बादाम भून के हो गया, तो अभी इसका छिलका उतार लेंगे। तो मैंने कपड़ा लिया है, तो कपड़े में इस तरीके से करने से जल्दी से छिलका उतर जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए छिलका सब उतार लिया है। और ये देखिए गुड़ को भी कट कर लिया है। गुड़ को कट कर लेने से जल्दी से पक जाता है। तो अभी गुड़ को पकाएंगे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बादाम चिक्की। तो पहले गुड़ को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, क्योंकि तेल नहीं लगाने से चिपक जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से अच्छे से चारों ओर लगा लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा गुड़ भी पक के हो गया। तो अभी इसमें डाल देंगे बादाम। तो यहाँ देखिए गरम गरम ही ऐसे कर लेना है, उसके बाद कट लगाना है। तो जब ठंडा होगा तो अच्छे से पीस इसमें निकलेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तिल, तो तिल को अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी यहाँ दीदी भून रही है। तो आज तिल का बनेगा लड्डू, उसके बाद तिल पिठा, तो इसलिए ज़्यादा ही तिल लाया है। तो और बोरा चावल को भी धुलाई करके रख दिया था, तो अब इसको हम लोग कूट रहे हैं।
तो फ्रेंड्स तिल का लड्डू भी बनके हो गया, देख सकते हैं पूरा गोल गोल है। तिल पीठा, उसके बाद चिवड़ा का लड्डू और मुड़ी लड्डू बनाना बाकी है। तो देखते हैं आज कितना बना सकते हैं। तो दीदी ग्राइंड कर रहे हैं नारियल तिल पीठा बनाने के लिए, तो नारियल भी ग्राइंड करके हो गया। बन रहा है चिवड़ा का लड्डू बनाने के लिए, अभी चिवड़ा भून रही है दीदी। लोकल चिवड़ा है, तो यहाँ फ्रेंड्स अभी बन रहा है चिवड़ा का लड्डू और दीदी बना रही है तिल पिठा। तो इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे तिल का पिठा, तो बहुत सारे टूट भी गए हैं, तो फाइनली जाके अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है। अभी फिर बना रही है मासी। तो आज सभी ट्राई कर रहे हैं तिल पिठा बनाने के लिए, तो सबका हो रहा है। जब पसंद रामो लगते ना तो एक गोलो कति राम्रो छ, पतला पतला बनाउँछ नि, पतला चाहिँ हेर्नुमा राम्रो लाग्छ। और दिदी बनाएगी गुजिया, तो उसका तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी यहाँ कट करेंगे कांदा। तो कल के लिए सब तैयारी चल रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बादाम हमारा सेट हो गया है, कितने अच्छे से पीसेस में निकल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दूध उबल रहा है, तो इसका मावा बनाएगी गुजिया में डालने के लिए। तो देखिए मावा भी बन के रेडी हो गया है। और यहाँ देखिए नारियल, ग्राइंड किया हुआ नारियल है, और घी, उसके बाद ये देखिए ये है चीनी, ग्राइंड किया हुआ चीनी, और यहाँ ड्राई फ्रूट कटिंग कर दे रहा है। तो ड्राई फ्रूट को घी में अच्छे से भून लेना है, उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे।
तो ड्राई फ्रूट भून के हो गया, तो अभी भूनेंगे नारियल। गुजिया में डालने वाला मसाला भी बन के तैयार हो चुका है। मतलब ऐसे छोटे छोटे करके गुड़ पकाने से जल्दी से पक जाता है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे पीस में काट के बनाएंगे। हमारा गुड़ बल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। जितनी बार बना थी उतनी बार टेस्ट करके देखती हूँ। तो ये देखिए हो गया है अच्छा से, तो ये अच्छा से पक गया है। उसको बनाएंगे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ बन रहा है गुजिया, तो काफ़ी रात भी हो गया है, तो हम लोग तीनों फटाफट से बना रहे हैं।
फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ही हम बनाना, तो भुजिया में डालने वाला मसाला भी ख़त्म हो गया, तो आटा थोड़ा सा बच गया है, तो कल उसका निमकी उमकी बनाएंगे। हाय नैनू, बनके खत्म हो गया। तो आज मीठा लड्डू बनाते बनाते पूरा एक बजने वाला हो गया है, एक बजने 20 मिनट है अभी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।